राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इन्होंने बढ़ते बिजली बिल तथा 100 यूनिट तक के कम करने का आश्वासन शहर के नागरिकों को दिया था। इतना ही नहीं तो चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी ने सभी वादे चुनावी एजेंडे में रखा थे, लेकिन उस पर सही मायने में अमल नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महल स्थित छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक पर महाविकास अघाड़ी की चुनावी घोषणा एजेंडे कागजात की जलाकर होली की। इस मौके पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। राज्य सरकार सत्ता में आने से पहले कई बातों को लेकर जनता को बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए गए थे, जिसमें बिजली का निर्माण और दाम में कटौती जैसे मुद्दे भी शामिल थे, लेकिन आए दिन नागपुर की जनता को बिजली के बिल महावितरण बहुत ज्यादा भेज रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। 300 यूनिट तक उपयोग करने वाले ग्राहकों को बिजली दर में 30% कम करने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि जनता को बिजली बिल पूरा भरना ही होगा, ऐसी बात उन्होंने कही थी। उनके द्वारा दिए गए बयान से जनता काफी नाखुश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने महल स्थित छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक पर उग्र आंदोलन किया और चुनावी घोषणा पत्र और बिजली बिल की होली चलाई। तो वही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाली पीटो आंदोलन करके सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। और राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर यातायात स्थिति बिगड़ चुकी थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार दिखी। इस आंदोलन के बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में एनबीसीएन की टीम शिवाजी पुतला चौक पे है, जो की महल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य सरकार के नीतियों का विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर बढ़ते बिल को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि जिसके चलते यह आंदोलन किया जा रहा है, आइए जानना चाहेंगे इस समय में आम आदमी पार्टी के देवेंद्र वानखेड़े जी हमारे साथ में। वानखेड़े साहब, ये बताए कि जिस तरह से ये जो आज आंदोलन किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों को ये वचननामा दिख रहा है, चुनाव के पहले श्री उद्धव ठाकरे जी ने काफी स्टडी किया था, दिल्ली में किस प्रकार से 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है उसका भी स्टडी किया था, और उसके बावजूद उन्होंने वचननामा दिया था। इसके ऊपर लिखा है वचननामा, यानी जो जनता को वचन देते हैं और खास करके शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, शिवाजी महाराज झूठ बोलने वालों को हमेशा सजा देते थे। इन लोगों ने वचन दिया जनता को, हम 30% बिजली का दाम कम करेंगे, लेकिन महामारी आने के बावजूद इन्होंने 1 अप्रैल 2020 से 20% इंक्रीज किया। इन्होंने इनका वचन निभाया नहीं, इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं या तो सरकार जनता का बिल माफ होना चाहिए, या तो आप लोग वचन नहीं निभा सकते हैं तो राजीनामा देकर खुर्ची खाली करो। जनता को अच्छा सीएम जो भी मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आपका वचन पूरा करो। ये बताइए कि यदि आपके मांगों को पूरी तरह से मंजूर नहीं किया जाता तो आपकी अगला रणनीति क्या होगी? देखिये, हम लोग अभी तक के 5 या 6 बार इसके ऊपर आंदोलन कर चुके हैं। बिजली बिल का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में उठाया है और इसको हम उठाते रहेंगे। दिवाली के पहले हमारे एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग इसके अंदर में रियायत देने वाले हैं, 100 यूनिट तक के ये करने वाले हैं, पुराने बिल के और बाकी का बचा हुआ भार हम अपने ऊपर लेने वाले हैं। रणनीति क्या रहेगी आप? रणनीति हम इस आंदोलन के साथ में लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को भी रास्ते पे उतरने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये सभी के अधिकारों की बात है, किसी की कमाई नहीं थी। हम जब तक ये रोड पे लोग उतरते नहीं, हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों ने ये बात करते हुए ये कहा कि ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक। कैमरा पर्सन वोनू खान के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज नागपुर।